अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे? आप लोगों को ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम बना रहे हैं गोश्त का पुलाव। गोश्त के पुलाव के लिए मैंने जो है, व्यूअर्स आप लोग देखेंगे, मैंने पहले से यखनी जो है रख दी है, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना है, फास्ट क्विक। तो आप लोगों को पता है कि घर में मेहमान भी आ रहे जा रहे हैं, तो ये कि बस मैंने कहा जल्दी आप लोगों के साथ मैं फिर अपनी रेसिपी शेयर करूँ। और देखेंगे पुलाव के लिए मैंने यखनी जो है चढ़ा दी है, तो इसके अंदर मैं आपको बताते चलूँ कि मैंने धनिया, एक प्याज, एक अदरक का टुकड़ा, दो इलायचियाँ और दालचीनी और लौंगे डाल दी हैं। और गोश्त आप लोगों को पता है कि थोड़ा टाइम लेता है, और ये कि 1 से 1.5 घंटे में ये जो है यखनी हमारी तैयार हो जाएगी। साथ साथ हमारे पास पुलाव के लिए प्याज है जिसको हम ब्राउन करेंगे, टमाटर हैं, और ये हरा मसाला है जो हम इस्तेमाल करेंगे पुलाव के अंदर, गोश्त पुलाव में। और हम इस्तेमाल करेंगे शान का पुलाव बिरयानी मसाला। तो ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त आपके पुलाव के अंदर फ्लेवर लेके आता है, बहुत मज़ेदार बनती है पुलाव, गोश्त का पुलाव तो बहुत ही ज़बरदस्त। ये इसको शान का डालने का मकसद ये है व्यूअर्स कि इसमें जो है खाने में आपके जायका आ जाता है। तो आप लोग भी ये इस्तेमाल कीजिए अपने खाने में, और आप लोग जो है पुलाव गोश्त का बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बनता है। आपको मैं आगे आप बताता हूँ होता क्या है। तो व्यूअर्स देखें, ये गोश्त का यखनी तैयार हो चुका है माशाल्लाह से, ज़बरदस्त। और साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि ये देखें, मैंने जो है गोश्त के पुलाव के लिए प्याज हल्की सी मैं इसको लाल कर रहा हूँ, और जब तक ये लाल होगी इतने में हम टमाटर काटेंगे और ये हमारी प्याज लाल हो जाएगी। देखिए अब मैं जो हूँ, मेरी प्याज जो है लाल हो चुकी है, काफ़ी ब्राउन हो चुकी है, देखें बिल्कुल ऐसे ब्राउन कर लीजिएगा आप लोग भी। और साथ साथ आपने फिर क्या करना है, इसमें आपने टमाटर ऐड करने हैं, टमाटर आप 2 ऐड कीजिएगा। और देखें ये जो है बनता जा रहा है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालूँगा, इससे और भी मज़ीद जायका आता है। अदरक लहसुन तो ये कि हर रेसिपी में इस्तेमाल किया करें। और देखिए माशाल्लाह से पूरा मसाला तैयार हो रहा है, इसके अंदर जो है अब मैं जो हूँ शान का जो है पुलाव मसाला डालूँगा। ये देखें वाह, ज़बरदस्त मसाला चला गया। और साथ साथ इसके मैं डालूँगा धनिया पाउडर, धनिया पाउडर हम 1 टेबल स्पून लेंगे, बहुत है, 1.5 कर लें। साथ साथ मैं जो हूँ इसके अंदर जो है थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगा, गरम मसाला चले गया। साथ साथ इसके जो है ये तेज़पात के पत्ते हैं व्यूअर्स, देख सकते हैं आप लोग, तेज़पात के पत्ते डाल रहा हूँ, देखें तेज़पात के पत्ते आप डाल दें, आपकी पुलाव का जायका, ओए होए होए होए, गोश्त का पुलाव तो बहुत मज़े का होता है। और ये कि इस मसाले को हम भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे टमाटर टिल एंड तक पकाएंगे। और आपको मैं दिखाऊं कि मैंने जो है चावल धो लिए हैं, और चावल भी हमारे जो है बस डालने के ऊपर ही हैं, और जब तक हमारा ये मसाला तैयार होता है हम आपको बता दें आगे का। अब हम इसमें डालेंगे अब नमक, नमक हम डालेंगे 2 टेबल स्पून, बहुत हैं। और देखिए हमारा मसाला बेहतरीन तैयार हो गया है। और अब आपने क्या करना है इस मसाले के साथ, आपने ये जो गोश्त का यखनी बनाया है इसको आपने सिर्फ गोश्त को ऐसे लेके, यखनी अभी नहीं इस्तेमाल करेंगे हम, गोश्त डालेंगे सारा, गोश्त इसी तरह आपने पानी से निकाल के आपने इस तरह डालना है। इससे ये होगा व्यूअर्स के गोश्त और भी मज़ीद पक जाएगा, और इसके अंदर अच्छे से कलर भी आ जाएगा ब्राउन। आप ये देखें इतना ज़बरदस्त ये मसाले के अंदर चले गया है गोश्त, हमने सारा गोश्त जो है इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है, यखनी का पूरा गोश्त हमने इसमें डाल दिया, इसको अच्छे से हमने पका लिया है। देखें गोश्त का कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है, और हमारा गोश्त जो है ये बीफ जो है माशाल्लाह से काफ़ी गल चुका है। और अब मैं इसमें हूँ यखनी ऐड करूँगा, देखिए मैं यखनी पूरी ऐड करने लगा हूँ इसके अंदर ही, इसी के अंदर ही पकेगा पूरा कुछ। देखें ये पूरा यखनी इसमें जा रहा है, ये पूरा डन हो गया, देखें एंड में ये इसका कचरा स्टफ बच चुका है, इसको नहीं डालेगा। और ये देखें अब ये जो है इसको हम
10 से 15 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे, फिर हम इसमें राइस डालेंगे। ठीक है व्यूअर्स, हमारा ये फाइनली गोश्त बिल्कुल गल चुका है और ये बिल्कुल रेडी है मसाला। अब इसके अंदर हम अब क्या करेंगे, आपने जो है ये राइस डालने हैं। ये देखिए मैंने राइस डाल दी, मैंने जो है 1 kg लिए हैं। 1 kg आई थिंक इनफ है, अगर आपके घर में ज़्यादा मेहमान आए हुए हैं तो आप 1.5 kg ले लें। और व्यूअर्स बस अब मैं जो हूँ ये सारे चावल इसमें डाल दिए हैं माशाल्लाह से, और आपको मैं बताता चलूँ कि ये चावल के साथ साथ आपको दिखाऊँ कि मैं अभी जो मसाला है ये पूरा चावलों में मिक्स हो जाएगा और फिर हम इसमें लगाएंगे दम, बहुत बेहतरीन दम लगाएंगे। दम लगाने के साथ साथ ये देखिए आप लोग देख सकते हैं अब इसमें दम लगेगा। दम लगने के बाद ये पुलाव रेडी हो जाएगी, गोश्त का पुलाव रेडी है व्यूअर्स, एंजॉय कीजिएगा।